हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस को लेकर के है। और एक्सेस के अंदर एक डीएमएल कमांड होता है, डीएमएल यानी डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। सबसे पहले तो एक्सेस को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम देखेंगे ये एक्सेस का 2021 है और यहाँ पे डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का जो कमांड है उसको हम चला करके देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एक हमारे पास टेबल बनी हुई है, टेबल आपको स्पष्ट रूप से दिखाई भी पड़ रही होगी, जिसमें पांच सब्जेक्ट जो है उसके मार्क्स एंटर करवाए गए हैं। अब इसमें हमको डीएमएल कमांड का यूज करना है। इस टेबल का क्या नाम है? इस टेबल का जो नाम है वो है टेबल वन। देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया है। अब इसके लिए डीएमएल कमांड डिलीट का यूज करना है। डिलीट एक डीएमएल जो है कमांड का स्टेटमेंट होता है और उसको हम यूज करेंगे। तो क्रिएट पे चलेंगे, क्वेरी डिजाइन पे जाएंगे और यहाँ से एसक्यूएल पे चले चलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के हमको वो डिलीट स्टेटमेंट को यूज करना है। चलिए देखते हैं कि इसको हम कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले काम क्या करना है हमको, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिलीट ही लिखेंगे। तो यहाँ पे DELETE डिलीट लिखा हमने। उसके बाद यहाँ पे डिलीट कहाँ से करना है, तो फ्रॉम टेबल का नाम आएगा, तो FROM फ्रॉम लिखा हमने, फिर टेबल का नाम। तो जो भी टेबल का नाम है उसको आप यहाँ पे दे सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ केस में नाम है टेबल वन, हमारे केस में ये टेबल वन नाम है, तो ये हमने डिलीट फ्रॉम टेबल वन दे दिया। अब यहाँ पर हमको कंडीशन देनी होगी, तो कंडीशन के लिए हम वेयर जो कीवर्ड है उसको लगाएंगे। एक बार फिर से इसको ओपन कर लेते हैं टेबल को, तो आईडी इज वन कर देंगे, आईडी इज इक्वल टू वन, ठीक है। तो आईडी हमें वन रखनी है, वन वाले आईडी को, टू वाले आईडी को, जैसे फाइव वाले आईडी को डिलीट करना है या फोर वाले को, तो यहाँ आईडी इज इक्वल टू फोर कर देंगे। और ये भी ध्यान रखिएगा कि आईडी किस तरीके से लिखा गया है, कैपिटल स्मॉल का भी बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पर क्वेरी पर आते हैं, वेयर आईडी इज इक्वल टू फोर कर देते हैं। और ये फोर करके क्या करना है, इसे टर्मिनेट करना है। और टर्मिनेट करने के बाद ये ध्यान रखिएगा कि टेबल को क्लोज कर लीजिएगा। तो कई बार आप टेबल को क्लोज नहीं करते हैं, फिर आपका क्वेरी ठीक से रन नहीं होता है, तो दिक्कत होती है, तो टेबल को जरूर क्लोज कर लीजिएगा। अब जो है इसको रन करवाना है, तो क्वेरी डिजाइन पे जाके और यहाँ से रन करवाइएगा। तो ये कह रहा है यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, यानी अब आप इसके लिए, अब यहाँ नीचे ये भी दिया गया कि आप अंडू कमांड का यूज करके इसको रिट्रीव नहीं कर सकते, वापस नहीं ला सकते एक बार आपने डिलीट स्टेटमेंट चलाया थी। तो यहाँ पे अगर मैं यस कर देता हूं, तो इसको दोबारा से अब ओपन करने की जरूरत है। अब फोर वाला जो है आप देख सकते हैं 1 2 3 5 दिखा रहा है, फोर वाला अपने आप गायब हो गया, अपने आप क्या गायब हुआ, हमने क्वेरी चलाया तो हट गया, ठीक है। इसी तरीके से टेबल वेयर आईडी दिया गया है ना, अब यहाँ पे देखिए ये तो आईडी के थ्रू रहा, लेकिन इस बार जो है हम आईडी के थ्रू नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पर जो है नेम ऑफ स्टूडेंट करेंगे। अब नेम ऑफ स्टूडेंट्स कैसे लिखा गया है, बिल्कुल उसको ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ पे अब हम दे देते हैं आईडी हटा करके नेम ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे नेम अंडरस्कोर ऑफ अंडरस्कोर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कर दिया। और इज इक्वल टू क्या करेंगे, इज इक्वल टू जो भी स्टूडेंट का नाम है, जैसे मान लीजिए अवनी है, एक स्टूडेंट का नाम है अवनी, तो ये लिख देते हैं, ठीक है। और टर्मिनेट करना है आपको। अब देख लीजिए ये यहाँ पे एक नाम अवनी भी है, ये देखिए ये रहा, ठीक है। तो क्या ये भी काम करेगा, क्या ये भी चलेगा, ये भी देखने वाली बात है। तो इसको क्लोज करके अब इसको चलाएंगे, तो देखेंगे कि यहाँ से जो है क्वेरी डिजाइन पे जाके इसको रन करवाएंगे। तो देखिए ये कह रहा है ना, यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो फ्रॉम द स्पेसिफाइड टेबल, और इसमें भी अंडू कमांड आप यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर इसको डिलीट कर देते हैं, तो अवनी वाला जो लाइन था वो आप अपने आप डिलीट, देखिए ये डिलीट हो गया, देख रहे हैं। तो कुछ इस तरीके से ये काम करेगा, ठीक है। कोई भी आपको डिलीट करना है, थर्ड करना है, फोर्थ करना है, जिसके हिसाब से करना है उसके हिसाब से एक पूरी रो आपकी डिलीट हो जाएगी। और ये फायदा है डिलीट जो स्टेटमेंट है उसका। मान लीजिए स्टूडेंट्स के नाम के बेस पर कुछ और भी डिलीट करना है, जैसे ये अमित वाला डिलीट करना है, तो यहाँ पर सीधा सीधा आप क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे लिख देंगे अमित, क्या लिखेंगे, अमित लिखेंगे, और ये डिलीट होता हुआ नजर आएगा आपको। तो देखिए ये हो गया अमित और अमित हो गया, तो अब इसको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ से जाकर के और क्वेरी डिजाइन पे जाकर के और ये रन करवा दीजिए। तो ये देखिए यू आर अबाउट टू डिलीट वन रो आ ही रहा है, तो बस यस कर दीजिए। अब देखिए ये भी डिलीट हो ही जाएगा, यहाँ पे देखिए ये डिलीट हो गया, तो कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूरी की पूरी डिलीट स्टेटमेंट आपको समझ में आई होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा, और साथ ही साथ चैनल जिसका नाम है कंप्यूटर एंड टेक सॉल्यूशन, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।